दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो इस वीडियो में आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉयड फोन के अंतर्गत कई सारे ऐप्स आते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा अपने पास जो भी कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है उसके अंदर आप लोगों ने कई सारे सॉफ्टवेयर देखा होगा, उसको डिजाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। ये तो हो गई प्रोग्राम के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना होगा सी या C++, जावा, पाइथन या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन ये सारे लैंग्वेज हैं जो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इन लैंग्वेज के माध्यम से ही हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई प्रोग्राम के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से आप सीख सकते हैं, हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर सीखना चाहते हैं तो आप किस तरह से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो देखा जाए अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई गेम क्रिएट करना है या गेम बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपको कौन कौन से लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए आपको सी और सी प्लस प्लस की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से ही आप कोई भी गेम के एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हम जो यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और कंप्यूटर क्या समझती है, केवल बाइनरी डिजिट को ही समझती है। तो यहाँ पर हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को स्टेप बताऊंगा जिसका फॉलो करते हुए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उन स्टेप्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला स्टेप्स है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव। दोस्तों आपका मैटर ये करता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम, मतलब किस तरह का जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप किस तरह की प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको एक गेम बनाना है, ठीक है, एक गेम का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना है तो आपको किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सी और सी प्लस प्लस को, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपको उस गेम की जो प्रोग्राम है या गेम की जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इस लैंग्वेज का यूज करते हुए बना सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव करना है, आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार करना है या फिर आपको किस तरह की वेबसाइट तैयार करना है या फिर आपको किस तरह की ब्लॉग तैयार करना है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला टिप्स है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड टिप्स है दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। सबसे पहले आपको जिस भी प्रोग्राम को बनाना है, जिस भी सॉफ्टवेयर को बनाना है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हो रहा है उसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, उसके बेसिक के बारे में जानना जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जरूरी है जानना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोड्स पढ़े। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम उस प्रोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम लिखने के साथ साथ आपको दूसरे के प्रोग्राम को भी पढ़ना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा, ताकि इससे आपको ये पता चल जाए कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, या आपको ये एक्सपीरियंस हो जाए कि वो जो प्रोग्रामर है वो किस तरह से उसके प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन सा लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, वो किस तरह से उस प्रोग्राम को लिख रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको उस प्रोग्राम को रीड करने से एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को लिखने के साथ साथ उस प्रोग्राम को आपको रीड करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप्स के बारे में जानते हैं, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। दोस्तों जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्राम के बारे में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इजी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी और सी प्लस प्लस। दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपको जब तक सी और सी प्लस प्लस नहीं आएगा तब तक आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। जैसे कि बाजार में आजकल पाइथन आ गया, ठीक है, या फिर जावा, या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको सी और सी प्लस प्लस के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। या आपने सी और सी प्लस प्लस के बारे में सीखा है तो आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में बड़े आसानी होगी। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर को भी जानना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में आप समझ सकते हैं। तो आप कोशिश करें, सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप्स के बारे में जानते हैं, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सीखे। दोस्तों जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके एल्गोरिथम को समझते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको समझना होगा, तभी आप एक बेस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं या आप एक बेस्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डाटा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एल्गोरिथम के बारे में जानना पड़ेगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको डीपली से स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर यह है कि डाटा स्ट्रक्चर और उसके एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले आप सीख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टिप्स है थ्योरी और प्रैक्टिकल में बैलेंस बनाकर रखें। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है, हम अपने पुस्तक में, अपने कॉपी में, जहाँ पर भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसके थ्योरी के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उसके बारे में हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको कंप्यूटर में या सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसको बार बार बनाना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं, ताकि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्योरी के साथ साथ आपको उसके प्रैक्टिकल का नॉलेज भी बहुत अधिक हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो दोस्तों आप कोशिश कर लीजिए, थ्योरी सीखने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी ध्यान दीजिए, तभी आप क्या बन सकते हैं, एक बेस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं, आपको अलग अलग लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करने आ जाएगा, अलग अलग प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, इंटरनेट ग्रुप से जुड़े। दोस्तों आजकल क्या होता है, इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है, आजकल आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर कई सारे इंटरनेट ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें प्रोग्रामरों की एक लिस्ट होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं या आप एक प्रोग्रामर है या आप प्रोग्राम सीख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर आप उस ग्रुप में आप ज्वाइन रहेंगे, आप उस ग्रुप से कनेक्टेड रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको प्रोग्राम आती है, उससे क्या हो जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, आप कोई भी प्रोग्राम को बड़े आसानी से उनकी मदद से आगे लिख सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश यही करना कि आप जो भी इंटरनेट के अंदर जो भी ग्रुप आपको मिल रहा है उस ग्रुप से आप कनेक्टेड हो जाइए, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप्स के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट टिप्स है प्रोग्रामिंग रोज करें। दोस्तों अगर प्रोग्राम एक दिन में सीखा जाए तो ये गलत बात है, किसी भी चीज़ को हमको सीखना है तो डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आपको क्या करना है, डेली आपको नए नए प्रोग्राम बनाना है, आपके पास जो भी सिस्टम है उस पर आपको नए नए प्रोग्राम
बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप एक बेस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं। तभी आप एक बेस्ट प्रोग्रामर बनने के साथ साथ आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का भी निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश करना कि यहाँ पर मैंने जितने भी टिप्स बताए हैं, इन सारी टिप्स को आप लोग फॉलो करते हुए अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, या आप कोई किसी चीज़ का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए, तभी आप एक बेस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं। दोस्तों ये मेरा छोटा सा नॉलेज था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे तो आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लिया है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।